दोस्तों, आपका हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है बहुत बहुत सारा। और हम इस वीडियो में जैसे जो लाइन लिखी हुई है, कंप्यूटर के कितने अंग होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं, उनका कार्य क्या होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाएँ, है ना। तो हम जैसे इस वीडियो में जैसे कंप्यूटर अंग जैसे मान सकते हैं, जैसे कंप्यूटर में मॉनिटर है ना, मॉनिटर, सीपीयू है ना, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, जैसे काफ़ी सारे अंग होते हैं ना। जैसे अगर हम देखें, जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है ना, वो होता है सीपीयू, है ना। इसकी जो इसकी जो फुल फॉर्म होती है ना, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है ना। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, काफ़ी सारे लोग इसको कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट बोल देते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है। इसके अगर फुल फॉर्म देखें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको कंप्यूटर का दिमाग, इसको कंप्यूटर का ब्रेन है ना, ब्रेन मीन दिमाग है ना, कहा जाता है ना। मदरबोर्ड जो है ना, इसका जैसे मुख्य सर्किट के रूप में जाना जाता है। जैसे मदरबोर्ड है ना, मदरबोर्ड है ना, ये जैसे इसका मुख्य सर्किट, इसको पीसीबी बोलते हैं, पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है ना। इसी में ये सीपीयू कनेक्टेड होता है ना। जैसे कंप्यूटर का आविष्कार 1822 में है ना, जो चार्ल्स बेबेज था, उसने इसका आविष्कार कर दिया था। और है ना, जैसे अब उसका जैसे आविष्कार के होते होते इसमें जैसे काफ़ी सारे पार्टों को, जैसे जो जनरेशन आते गई थी ना, उसी के आधार पर इसको जैसे चेंज आकार और जो कार्य करने की क्षमता, वो सब कुछ चेंज होती गई है ना। कंप्यूटर वैसे तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, लेकिन इसको जैसे काफ़ी सारी चीज़ों के अगर माध्यम से देखें है ना, तो वैसे खुद ब खुद जैसे काम नहीं कर सकती है ना, मशीन होने के कारण उसको भी जैसे आदमी के द्वारा ही चलाया जाता है ना। फिर इसका जैसे पावर सप्लाई सहित कंप्यूटर के अधिकांश अंग अवयव स्थित होते हैं। जैसे इसकी पावर सप्लाई दी जाती है ना, पावर केबल होती है ना, जैसे पावर केबल से इसकी सप्लाई दी जाती है, और वो उसका जैसे मुख्य पार्ट होता है एसएमपीएस है ना, स्विच मोड पावर सप्लाई है ना। स्विच मोड पावर सप्लाई के माध्यम से इसको पावर दी जाती है। इसको पावर देने के बाद में ये जैसे मदरबोर्ड में इसका पावर जाता है, और सीधा इसके जैसे दिमाग के ऊपर फर्क पड़ता है सीपीयू से, इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जैसे कंप्यूटर अंग होते हैं, ये जैसे कंप्यूटर को चलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ना। और जैसे बाकी जो पार्ट होते हैं, जैसे रैम, रोम, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी है ना, ये सब कुछ। और फिर जैसे उसके लिए कंप्यूटर के सभी बाहरी हिस्से, जिसमें कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन और स्पीकर सहित शामिल हैं ना, सेंट्रल यूनिट से जुड़े होते हैं, जिसमें फंक्शनल सिस्टम तैयार होता है ना। जैसे कोई फंक्शनल सिस्टम तैयार करने के लिए उसमें वैसे सारा कुछ तैयार, जैसे सारा कुछ चाहिए होता है, TFT है ना, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर है ना। जैसे अगर हम डिवाइसों को जैसे ऐड करते जाएँ, तो इसमें बहुत काफ़ी सारे डिवाइसेस हो जाते हैं, जैसे इंटरनल एक्सटर्नल है ना, तो कंप्यूटर अंग तो बहुत सारे होते हैं, तो इनमें हम जैसे बता नहीं सकते टोटली कितने अंग होते हैं। लेकिन अगर जैसे हमसे पूछें जैसे कंप्यूटर अंग कौन कौन से होते हैं, तो हमें ये सारे बता देने चाहिए है ना। लेकिन जैसे कंप्यूटर कितने अंग होते हैं, वो जैसे हम इस वीडियो में हम जैसे और भी आगे देखें, तो जैसे कंप्यूटर सिस्टम के, जैसे कंप्यूटर के जैसे भाग भी जैसे काफ़ी सारे होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के अंग या फिर जैसे पार्ट है ना, अंग का मतलब पार्ट ही होता है। जैसे इंसान का जैसे पैर,
इंसान के शरीर के हिस्से होते हैं सारा कुछ, जैसे सब कुछ है ना, सभी चीज़ों को जैसे कुछ ना कुछ पार्टों में विभाजित किया जाता है। इसी प्रकार जैसे वीडियो था, जैसे कंप्यूटर कितने अंग थे, पर अंगों को तो हमने जैसे इसमें फाइंड नहीं कर पाए, लेकिन इसमें जैसे हमने ये जरूर जान लिया जैसे कंप्यूटर अंग कौन कौन से होते हैं। इसके माध्यम से अगर हम गिनते भी जाएँ तो गिनती, जैसे हम इसको जैसे टोटली इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि जैसे डिवाइस है ना आजकल, जैसे हर रोज़ एक दो ऐड डिवाइस तो जैसे बन ही जाती है ना, तो उनको ऐड करते करते हम जैसे खुद प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। जैसे कि आखिरकार जैसे मैंने आज वीडियो अपलोड कर दी है ना, कल अगर कल तक हम डिवाइस देखेंगे तो और बढ़ गई तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है फिर, है ना। इसलिए टोटली हमें ये क्वेश्चन आंसर जरूर मान सकते हैं कंप्यूटर कितने अंग होते हैं ना, कि कंप्यूटर के अंग कौन कौन से होते हैं ना, तो वो हमें बता देना चाहिए ना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय टाटा। और हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।